वो पथिक्या पथिक कुशलता क्या, वो पथिक्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज केबीएस पीआरटी का पेपर हुआ है तो उसके मैथ का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, और देखिए कितनी सहजता और सरलता से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये 120 नंबर क्वेश्चन है मैथ्स के हिसाब से, आपका सेट होगा अलग अलग, उस हिसाब से अलग अलग होगा। इसमें सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बड़ा अच्छा। टाइम 2 वर्ष, रेट 12%, और कह रहा है कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट 37,632, तो इसी प्रिंसिपल पर दुगुने समय के लिए ऐसा ही कितना होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। सम अमाउंट रुपीज 37,632 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट फॉर द डबल द अर्लियर पीरियड। ये लिखा हुआ है, सेम है। तो हमने क्या कहा कि टाइम 2 ईयर्स है, तो आपको पता है कि जैसे मैं बार बार कहता था कि टाइम 2 वर्ष के लिए 99% क्वेश्चन पूछता है, तो 2 साल है, रेट 12% है, तो रेट कितना हो जाएगा, वही 12, सीआई कितना हो जाएगा, 12 + 12 + 12 × 12 / 100, और इस हिसाब से आता है 44.44%, क्योंकि 12 12 24 और 12 का स्क्वायर 144, और जैसे ही 24 में आप 1.44 को ऐड करोगे तो 24 और 25.44% आएगा। ठीक है, 25.44 तो सी आया है, तो अमाउंट हो जाएगा 100 और प्लस 25.44, दैट इज 125.44। ठीक है, 125.44, तो ये तो सी आया गया, और आपको दिया क्या है अमाउंट, तो ये कह रहा कि जिसका 125.44% 37,632 रुपया है। अब क्या निकालना है जी, दुगुने समय के लिए साधारण ब्याज, तो 12% और दुगुना समय यानी 4 वर्ष, अभी 2 वर्ष है तो 4 वर्ष, तो 1 साल का 12% तो 4 साल का 48%, 12 × 48 तो 48% कितना होगा, जिसका 125.44% 37,632 रुपया है, उसका 48% लिखना होगा। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 00 आएगा, और अब थोड़ा सा गौर कीजिए इसको काटने के लिए, तो देखिए ये 37,000 है और ये 12,000 है, तो 12 + 36 होता है 36, तो ये 3 से जाएगा, 4 + 12 भी हो रहा है, तो करके देख लेंगे, तो ये 3 हो गया, यानी कि 48 को करेंगे 3 से, तो 8 × 3 = 24 के 4 × 2 4 + 12 = 14, और फिर 00 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर करता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी में लिखा हुआ है कि लिखा है रमन सोल्ड एन आर्टिकल एट 8% गेन, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹150 मोर द गेन वुड हैव बीन 14%, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹2,650 देन गेन परसेंट वुड हैव बीन। मतलब रमन एक वस्तु को 8% पर बेचा, यदि उसे 14% पर बेचता यदि वस्तु एक, तो उसे 150 रुपया अधिक प्रॉफिट मिलता, तो मतलब 8% और 14%, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया जी, 6%, तो जिसका 6% 150 है उसका 100% क्या है, इसे क्या होगा कि सीपी निकल जाएगा, तो 3 × 6 = 3, 5 = 15, और इसको काट दिया तो 25, यानी सीधा हो गया 2500 रुपया क्रय। और कह रहा है कि यदि उसको 2650 रुपया में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ, मतलब क्रय मूल्य 2500 और विक्रय मूल्य 2650, तो कितने का फायदा हो रहा है जी, तो कहेंगे 150 रुपये का, कितने दे, तो 150 × 100 प्रतिशत लाभ बराबर अपॉन में 2500, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और 25 से 150 होता है, यानी कि सीधा 6% आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये दूसरा प्रश्न है, तीसरा, इसमें दिया है कि एक क्यूबॉइड यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है, और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन कितना होगा। हमने कहा ठीक है, मतलब लंबाई कितनी हो गई, तो लंबाई हो गई 1x, चौड़ाई कितनी हो गई 2x, ऊंचाई कितनी हो गई 3x, तो हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 2 × लंबाई + चौड़ाई
प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, मतलब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर में कितना दिया हुआ है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2l कितना, तो x मल्टीप्लाई 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस 3x मल्टीप्लाई x, और ये बराबर दिया हुआ है 1100। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये होगा 3x स्क्वायर। तो ये 6 9 11 11 22 एक्स स्क्वायर, यानी कि टोटल ये मिला करके 22x स्क्वायर और ये दिया हुआ है 1100। तो ये कट जाएगा जाके अपॉन में, हम जब 22 करेंगे तो 11 2 22 1100, यानी कि ये हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू अंडर रूट 50 यानी कि 25 5√2 यानी कि लंबाई हो गया 5√2, चौड़ाई 10√2, ऊंचाई 5 है तो 5 दिया 15√2। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसकी वॉल्यूम बताइए, इसका आयतन कितना होगा। आपको पता है कि आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 5√2 मल्टीप्लाई 10√2 मल्टीप्लाई 15√2, तो √2 √2 हो जाएगा, है ना। तो ये 15 25 75 और 75 2 150 150, यानी कि एक और जीरो आएगा ये 10 वाला, तो टोटल यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। मैंने इसका 1500 बोल दिया था आंसर, इसमें 1500√2 होगा, √2 है उसमें, ऑप्शन थर्ड नहीं बल्कि फोर्थ होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये लिखा हुआ है कि लिखा हुआ था कि द रेशियो ऑफ फोर नंबर्स ए बी सी डी इज इक्वल टू 3:4:8:6, ये इसमें 173 नंबर था और कह रहा था कि जो डी है मतलब सी और डी का अंतर 2880 रुपया है। तो ए प्लस डी का योग बताइए, सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस डी। तो अब ये रेशियो वाले क्वेश्चन में मैंने पक्का करवाया है सारा क्वेश्चन, मैथ को सरल तरीके से करना है। तो देखिए क्या है, तो दिखा है कि डी और माइनस सी, तो डी की रेशियो कितनी है 6, सी की रेशियो कितनी है 8, यानी कि मतलब बड़ा अंतर सीधे दिया हुआ था, इसमें यहां पे सी माइनस डी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सी 8 में से सी और डी का डिफरेंस दिया है या किसका दिया है, एक मिनट में प्रश्न देख लूं, इसमें दिया हुआ है किसका अंतर दिया गया था, हाँ सी और बी के भाग, यदि सी का भाग बी से इतना अधिक है, यानी सी और बी का अंतर दिया हुआ है, तो मतलब सी माइनस बी, तो सी कितना है 8 और बी कितना है 4, तो 8 में से 4 क्या, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना है 2820 रुपया। और पूछा कि फाइंड द सम ऑफ ए प्लस डी, ए और डी की वैल्यू कितनी है, तो ए है 3 और डी है 6, तो 6 की 9 यूनिट की वैल्यू कितना है, यही था 4 7 28 और 4 5 20 9 7 63 63 और 9 5 45 3745 रुपया आंसर है। इसको मैं इंग्लिश में एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं, आप आपके पास होगा वैसे प्रश्न, अ सर्टेन सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 3:4:8:6 रिस्पेक्टिवली, इफ द शेयर ऑफ सी इज 2820 मोर देन दैट ऑफ बी देन व्हाट इज द सम ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड डी। ठीक है, ये प्रश्न है, इसमें लिखा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a यूनिट्स टू दैट ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 2a यूनिट्स, मतलब किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है और किसी वर्ग का विकर्ण 2a है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2a एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 2a, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, √3/4 × a² = √2a² + √2a, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 × 2a × 2a / 4 तो होगा ही, और ये √2 तो सीधा 2 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, और 2a और मल्टीप्लाई 2a दो बार लिख रहा है, ये 2a से 2a कट गया और इस 2a से 2a कट गया और 2 जब 4 हो गया, यानी कि √3 रेशियो 2 हो गया आंसर, कौन सा है
ये अभी 4665 है तो साइड 36 आए तो समझ में आ गया बड़े वाले का साइड। तो बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 6 और साइड 36 है तो a स्क्वायर का मतलब 36 × 36। अब इसको 8 टुकड़ों में डिवाइड किया है तो एक का वॉल्यूम निकलेगा, फिर उससे साइड निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा एक का, तो 4665 a बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर होगा 36 × 36 × 36 और 8 टुकड़ों में क्या, तो 8 मतलब इसी को मैंने इस रूप में लिख लिया, मुझे पता है कि 36 का क्यूब है तो साइड हो जाएगा कितना 36 तो रहेगा ही और 8 का क्यूब रूट 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर। मतलब छोटे वाले एक की साइड कितनी होगी 18 सेंटीमीटर और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा तो 6 और a स्क्वायर का मतलब 18 × 18। लेकिन ये एक का है, जब कभी भी किसी चीज को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो उसका सरफेस बढ़ जाता है, तो बढ़ गया तो कितने 8 का करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 18 और ये दोनों का अनुपात आ गया, अनुपात यानी कि रेशियो बराबर आ गया। तो 18 × 36 फिर 18 × 36 और 2 × 4 = 8 तो यानी कि 4 × 8 और 6 से 6 कट गया यानी ऊपर 1 और नीचे 2 यानी कि 1:2 यानी पहला आंसर। ये प्रश्न है अगला कि इफ 20% ऑफ 50% ऑफ x is twice the value of 50% of 25% of y, then x is what percent more or less than y? लिखा है कि x के 50% का 20%। तो पहले x जो जो कह रहा होगा तो x के 50% और फिर इसका 20%, y के 25% के 50% का दुगुना है, मतलब इसका दुगुना ये है तो दो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा, तो ये होगा ये दुगुना है तो दोनों को इक्वेट करने के लिए छोटे वाले को मल्टीप्लाई। कई लोग परसेंट है तो नीचे 100 लेते भी नहीं है, चलो आपको सिमिलर तरीके से समझा, तो ये दोनों तरफ 100 100 है तो सारा का ठीक है हट गया, 50 इधर भी कट गया, 5 × 6 = 20 और 5 × 25 भी कट गया, 2 × 4 भी कट गया, मतलब आ क्या गया इधर 5 और ये यानी x रेशियो y, तो y तो अपने ही तरफ है और x इसके तरफ गया तो यानी 2, यानी बड़ा कौन है x, y कितना है 2, कितना अधिक है तो लिख रहा है कि x y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है y से, भाई अधिक है x तो अधिक है ना, कितना 3 और किससे y से तो यानी कि 2 नीचे आएगा एक कर काटेंगे 50 50 ये 150 यानी 150% आंसर आ गया, पर कौन सा है ये लिखा हुआ है आपके सामने में, प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा, ये कह रहा है कि उस कोण का माप क्या होगा जिसका समकोण, तो मतलब पता है कि आपको पूरक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको पूरक कहते हैं, समपूरक, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको समपूरक कहते हैं। तो माना कि इसको तो ऑप्शन से जाना बड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन मैं पहले सिंपल तरीके से आपको कि पता नहीं आपको कैसे पता चल गया आंसर, ये 20 डिग्री से भी जा सकते हैं 60 और ऑप्शन से मैं आसानी से सॉल्व कर सकूं, लेकिन नॉर्मल तरीके से ही करते हैं ताकि आपको वहां तक पहुंचे। माना कि वो एंगल एक्स है तो उसका एक्स डिग्री, तो उसका मतलब पूरक कितना होगा, पूरक हो जाएगा 90 − x और इसका संपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री 180 − x। अब ये 90 − x और 180 − x क्या कह रहा है जी, ये बड़ा कौन होगा 4 times, लेकिन सपोज करो उसके पूरक 4 × के बराबर है तो दोनों को बराबर करने के लिए छोटे वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 × 36 यानी 360 − 4x = 180 − x, ये इधर या 360 और −180 और जब ये उधर जाएगा तो 3x 180 हो जाएगा, 180/3 यानी x बराबर कितना हो जाएगा जी 60 डिग्री। ऑप्शन से भी जा सकते थे और बड़ी आसानी से ऑप्शन से सॉल्व कर सकते थे, 20 डिग्री को रखा तो दूसरा डिग्री कितना हो जाएगा 90, मतलब 90 में से 20 गया तो कितना 70 को फिर करेंगे 7 × 2 तो आने वाला सेटिंग नहीं है, क्योंकि एक जब 20 डिग्री होगा तो दूसरा इसका जो पूरक कोण होगा वो 70 डिग्री होगा और 180 में से 20 को घटाएंगे तो 160 डिग्री, फिर 4 times तो नहीं बन रहा है, बनना क्या चाहता है गलत है, तो हम 60 पे जाते हैं, मतलब एक एंगल इसका एक पूरक 60 हुआ
मतलब एंगल 60 हुआ तो उसका पूरक 30 डिग्री हो गया, और 180 में से 60 को घटाओगे तो 120। देखो तीन चौका फटाफट से यहां पर फटाक से करते हैं। ये अगला एक प्रश्न है, मैंने लिखा नहीं पढ़ देता हूं, कि त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाए। मतलब कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है ए और यहां पे बी और यहां पे सी, और इसको ना पी और क्यू तक बढ़ाया है, तो मतलब यहां पे मान लो पी और यहां पे मतलब क्यू, ठीक है। आगे लिख रहा है बढ़ाया पीबीसी, पीबीसी का समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर यहां पे आके मिलता है, और इसका नाम इसका दिया गया है क्यू, पी क्यू तक बढ़ाया गया ओ, इसका नाम ओ दिया है। अब आपको दे रहा है कि एंगल ए 56 डिग्री है, आपको जानकारी के लिए मैं बता दिया था, नाइन्थ क्लास का एक मैं दिखा दूंगा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल में दिया गया है साफ साफ। बच्चों जब कभी भी या दो ही केस होता है, मतलब एक ऐसे ट्रायंगल दे देगा और आपको ऐसा इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे यहाँ पे मिलता है, जो अभी ये केस है ए बी सी और मान लो एक ओ दिया है, और दूसरा केस देता है कि एक ऐसा ट्रायंगल दिया, इस कॉम्पिटिशन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने बताया था अपने बच्चों को बड़ी आसानी से सॉल्व किया बच्चों ने ए बी सी, और क्या कहा ये एंगल फाइंड करने के लिए, और इस केस में भी मतलब ये एंगल फाइंड करने के लिए कहता है। तो आपको एक बता दूं, ये हमेशा 90 से अधिक होगा, और इस केस में सॉरी ये हमेशा 90 से अधिक होगा, 90 इसका एंगल होता है, एंगल मान लो है तो एंगल ओ बराबर होता है 90 डिग्री और प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब 90 डिग्री में इस एंगल का आधा जोड़ दो, और जब नीचे पूछे तो इसका माइनस होता है हमेशा 90 से कम, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए, ये मतलब इसी का आधा। तो देखो अब यहाँ पे दिया गया था, देखो सेम क्वेश्चन 56 डिग्री है तो 90 में से घटा देंगे 56 का आधा 28, तो 90 में से 28 गया तो कितना बचा, 90 में से 28 गया 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 2 गया 10 में से 8 गया तो 8 में से 2 गया 4, 42 डिग्री, 42 डिग्री है, 6 होगा ना, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, क्या कह देते हो, 8 में से 2 गया 6 यानी कि 62 डिग्री, ऑप्शन दिया था 28, 42, 56 और 62, तो ये 62 डिग्री आंसर हो गया, ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये दिख रहा है कि केंद्र ओ वाले वृत्त में जीवाएं इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, आपके पास क्वेश्चन होगा इसमें लिखा हुआ है कि मतलब एक सर्कल है और इसका सेंटर है यहां, इसके दो कॉर्ड दिए गए हैं पैटर्न, इसका नाम दिया गया केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवाएं ए बी और सी की समांतर है और केंद्र के विपरीत दिशा में है, यदि ए बी 30 और सी डी 48, मतलब ये सी डी है और ये ए बी है, और इसकी लंबाई टोटल 10 दी गई है और इसकी लंबाई टोटल 48 दी गई है, ये दिया गया है, 10 नहीं दी गई बल्कि 20 है, 20 है। तो अब यहां से यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहां से यहां तक, तो यहाँ पे 90 डिग्री का ही कोण बनता है, ध्यान देना 90 डिग्री का, और ये सेंटर है मान लो, तो इसका रेडियस ये हो जाएगा और इसका रेडियस ये होगा, ऑप्शन दिया गया था। अब ये कह रहा है क्या समांतर और केंद्र की दूरी, यदि ए बी 20 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 24, आधा आधा होता है बाइसेक्टर होता है, और इसकी कुल लंबाई दी गई है कितनी, लिख रहा है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक ये टोटल 34 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो आपको मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये तो इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पाइथागोरस ट्रिपलेट और ऑप्शन दिया गया, तो पूछ रहा है कि इसका व्यास कितना होगा, डायमीटर कितनी होगी इस सर्कल, तो आपको ध्यान दो, जब मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था तो इसमें यह बात जरूर बताता हूं कि देखो या तो 3, 4, 5 होता है, या 12, 5, 12, 13 होता है, या 7, 34 और 25 होता है, ऐसे करके ट्रिपलेट थोड़ा याद करना हो। अब देखो उसी के संदर्भ में देखा, ये दे रहा है 10, यानी 5 का टेबल 10, तो 4 × 2 = 8 और 3 × 2 = 6 ऐसा हो सकता है, और ये दे रहा है 5, ये 5 दूसरा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 5 × 10 = 12 × 2 = 24 और 13 × 2 = 26। देखो एक्स वाइज मान के तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है सोचते हैं। तो देखो 34 दोनों का आना चाहिए, मान लो कि ये 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर मतलब ये वाला कट लगेगा, ये 24 सेंटीमीटर है तो ये वाला यानी कि 12 × 2 = 24, ठीक है, तो यानी ये 24 है तो ये 10 होगा,
और ये कितना हो जाएगा जी 24 अतिरिक्त 26, ठीक है जी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे बात में क्या था, ये 10 है तो 10 है तो मतलब ये 5, तो ये हो जाएगा, ये 10 है ये कितना हो जाएगा 10, 24 और 26, यानी कि ये टोटल 10 सेंटीमीटर है। तो किसका डबल है 10 सेंटीमीटर का, यानी 4 2 8 और ये नहीं हो सकता 13 2 26 10, यानी कि इस वाले में केस में करें तो ये 10 तो ये 24, हाँ सही है, यानी कि ये 10 ये 24 और ये 26, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो कितना हो जा रहा है 12 और 10 22 ही हो रहा है, यानी कि 10 तो ये 24 हो जाएगा ना, मैंने उल्टा क्यों लिख दिया 24 और 10 24, यानी ये है मतलब ये दोनों ही केस में रेडियस 26 सेंटीमीटर आ रहा है, 26 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करना चाहो तो मैंने तो ऑप्शन से ही कर दिया इसका आंसर, 28 डिग्री कह रहा हूँ। देखो क्या क्या दिया गया देखा, 26 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन। मतलब क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो ये 26 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r होता है ना, तो यानी 2 × 26 26 हुई 52 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब आप सोचो ये क्या क्या कह रहा है कि कौन कौन सा आंसर हो सकता है, जब भाई इसकी 24 सेंटीमीटर वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 24 से अधिक होगी, मान लो नहीं हमें पता 26 सेंटीमीटर तो यानी 25 भी होगी, तो 25 × 50 यानी कि 26 सेंटीमीटर तो आंसर हो ही नहीं सकता, 39 सेंटीमीटर तो आंसर हो ही नहीं सकता, 42 सेंटीमीटर भी नहीं होगा क्योंकि 24 डायमीटर पूछ रहा है, 26 नहीं डायमीटर, तो यानी कि यही एक पॉसिबल आंसर बनता है, ऑप्शन देख ही सॉल्व किया जा सकता। ये दिया गया है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 340 टाइम्स देयर एचसीएम, दो संख्याओं का लघुत्तम उसके महत्तम का 340 गुना है, और यदि एचसीएफ एचसीएफ भी 26 है तो दूसरी संख्या क्या कीजिए। आपको याद होगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, तो एचसीएफ कितना दिया है 26 और एलसीएम कह रहा है कि इसके एचसीएफ का 340 गुना है, तो मतलब एलसीएम 340 गुना है तो 340 और गुना में 26 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ का 340 गुना है तो एचसीएफ 26 सही हो गया। अब एक संख्या कितनी है जी, एक संख्या 442, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो ये आके नीचे डिवाइड हो जाएगा 442, 442 डिवाइड हो गया तो y बराबर पूछ रहा है, तो आप काटो ये कितने से कटेगा, यदि हम 2 से काटते हैं तो 2 × 4 2 × 4 और 2 × 1 = 2 है ना, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको काटेंगे 2 × 2 = 4 काट, तो कितने से कटेगा, 13 से काटेंगे तो 13 × 13 = 7, 13 × 7 = 91, 17 × 34 और 26 × 52 यानी 520, 520 आंसर है इसका। ये 121 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, अलजेब्रा का है, थोड़ा आपके लिए असहज हो सकता है लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये मैंने बताया था जब डीएसएसबी का पेपर जब रिपीटेटिव पूछ रहा था, तो उस समय मैंने बताया था किसी भी चीज का यानी स्क्वायर के यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मतलब मूल बराबर हो तो उसकी जो b²-4ac = 0 होता है, ये 10th क्लास की बात है। तो b² मतलब x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं और इस पूरे को c कहते हैं, तो b कितना है जी r - p² और 4ac, c का मतलब कितना है p - c और ये बराबर 0 होगा। तो बच्चों जब इसको आप पूरा एक्सपेंड करोगे, पूरा जब एक्सपेंड करोगे तो ये होल स्क्वायर में आ जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा p + r - 2p² p + r - 2q² आ जाएगा। मैंने करके देख लिया इसको, आप आराम से कर लेना इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और बराबर में 0 आ जाएगा। तो मतलब p + r - 2q बराबर में 0 आ गया, इस बार में कटेगा तो समझ पा रहे हो, ये फाइनली मतलब p + r = 2q हो जाएगा जो कि आंसर सेकंड है, बढ़िया आसानी से सॉल्व। अगला प्रश्न दिया गया इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, मैं फिगर बनाता हूं आपको समझ में आ जाएगा, कोई क्वाड्रिलेटरल है सिंपल क्वाड्रिलेटरल ही बना लो रेक्टेंगल टाइप का,
क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी और डी ऐसा दिया गया है। चतुर्भुज एंगल सी 102 एंड एंगल डी 58 है। एंगल ए और बी का समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर इसका ये और इसका एंगल बाइसेक्टर ये एक दूसरे को काटते हैं किस पे पी पे। कोई क्वाड्रिलेटरल एडजेसेंसी दिया गया है व्हिच एंगल बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक कोण का समद्विभाजक यानी ये और ये बराबर है ये और ये बराबर और मिल रहा है पी पे। तो आपसे पूछ रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल सी बराबर 102 डिग्री है। 102 डिग्री है कौन सा वाला सी ये हो गया 102 डिग्री और डी है 105 डिग्री डी है 58। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर कहीं पे मिलता है तो इसकी जो वैल्यू होती है एंगल पी इन दोनों के सम का आधा होता है यानी कि 58 और प्लस 102 अपॉन में 2। तो देखो 58 दो जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा है ना। 160 को दो से भाग करेंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा। 80 डिग्री आंसर है। तीसरा ऑप्शन दिया गया 62 78 80 एंड 100 डिग्री आंसर। एक और क्वाड्रिलेटरल का है ट्रायंगल का क्वेश्चन है। लिख रहा है कि ट्रायंगल एबीसी हमने कहा कि ठीक है जी ट्रायंगल हमने एबीसी फिर ज्योमेट्री बड़ा मजा आता बनाने में बसरते आपको इसके 30-40 थ्योरम्स हैं उसके रूल को याद करो और बच्चे अच्छे से समझा देता हूं बच्चों को। फ्री के नंबर होते हैं जीके की तरह जैसे जीके में आपको आता तो आता है नहीं आता तो नहीं आता। तो इसमें लिखा है और ज्योमेट्री में भी सीधा कंसेप्ट होता है। एबीसी में एंगल सी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। हमने कहा कि एंगल सी 60 डिग्री दिया ठीक है। एंगल ए 75 डिग्री दिया ये भी ले लिया। एडी परपेंडिकुलर बीसी मतलब ये परपेंडिकुलर बीसी है ये भी सही है। जहां डी बीसी पर एक बिंदु है तथा बी परपेंडिकुलर एसी और बी परपेंडिकुलर BE परपेंडिकुलर AC पर है यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। ये भी 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90। तो अब ये 60 है ये निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल है ना चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल चार इसके क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है तो ये 90 90 180 ये टोटल 120 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब ये कह रहा है क्या जी AC पर एक बिंदु है AD तथा B परस्पर H पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी H पर एक दूसरे को काटते हैं। तो कह रहा है क्या तो CHD की वैल्यू बताइए CHD मतलब यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जब ये टोटल 60 है तो ये 30 है और ये 90 है और इस ट्रायंगल में देख लीजिए ये 90 है और ये 30 है 120 हो गया और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 पे ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मान 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा अब फैक्टर करने के लिए सबसे जब इस तरह का कोई कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक तो दिया नहीं है क्यों भी है तो इसका फैक्टर देते इसका फैक्टर क्या क्या होगा प्लस माइनस एक और प्लस माइनस दो यानी प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू। तो मतलब या तो एक्स माइनस वन फैक्टर हो सकता है या एक्स प्लस वन फैक्टर हो सकता है या एक्स माइनस टू फैक्टर हो सकता है या एक्स प्लस टू फैक्टर हो सकता है यही चार फैक्टर हो सकते हैं। ये चार फैक्टर हो सकते हैं मतलब ये चार और भी होंगे लेकिन ये चार भी हो सकते हैं क्योंकि जो लास्ट का कोएफिशिएंट है वो ही है। तो थोड़ा टू टाइप का दिख रहा है तो हम माइनस वाला ज्यादा संभावना होती है आंसर की तो तुम देखते हैं कि टू है ना तो एक्स माइनस टू से डिवाइड करके जब एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करोगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस टू को तो आपको ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन वैल्यू इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा मतलब ये इसका एक फैक्टर है एक्स माइनस टू और दूसरा फैक्टर एक्स प्लस वन यानी इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा आंसर। ये दिख रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड क्यूब सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 है वॉल्यूम 2002 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो और पाई की वैल्यू 22/27 बस फॉर्मूला रखना है। डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया और वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और ये दिया गया है 2002 तो पाई की वैल्यू 22/7 आर 7 मल्टीप्लाई 7
और एच गया ही नहीं गया है 2000। हमने क्या किया, सात से सात को काट दिया और एच बराबर 2002 और अपॉन में 22 और गुना में 7 हो गया। तो जब आप इसको सात से काटेंगे तो 7 × 14 यानी 286 और फिर 22 से काटा तो 11 × 22 और 11 × 86 मतलब हाइट बराबर कितनी हो गई और फिर 2 से कटेगा तो 13 तो यानी कि 13 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। अब आसानी से वॉल्यूम फाइंड कीजिए, वॉल्यूम नहीं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr×r+h, तो 2 × 22/7 × 7 और r कितना 7 और हाइट अभी निकाला 13, ये 7 से 7 कट गया, 22 × 44 और 13 × 7 = 20, 44 × 88 यानी 880 सेंटीमीटर। ये लिख रहा है 2 years ago Ritu was 5 times as old as her daughter। 2 साल पहले रितु की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी और 2 साल बाद 2 years later इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा ये किया है like twice old as her daughter and 2 years hence twice her age will be equal to 5 times that of her daughter। मतलब उसकी रितु की आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर 5 गुने के बराबर होगा ऐसा उसने कहा है। तो भाई जब आप रेशियो निकालोगे क्या लिखे मैंने ये लिख रहा है कि उसकी आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। उसकी आयु मतलब ऋतु की आयु को 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर होगा यानी r/d बराबर क्या हो जाएगा 5:2। वैसे भी 5 और 2 में 5 तो ऋतु का ही माँ का ही होना चाहिए ना और 2 ऋतु मतलब ऋषु की बात है। तो अब ये मैंने बताया था देखो 3 और 5 में डिफरेंस 2 का और 1 और 2 में डिफरेंस 1 का तो बराबर नहीं है तो 5 और 2 का डिफरेंस कितना आया 3 तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 2 = 3 और 3 में से 1 गया 2 ये कितना हो जाएगा फाइनली जी यानी कि ऋतु और उसके डॉटर का जो ऊपर वाला हो गया 3 × 9 और 3 × 3 और नीचे वाला हो जाएगा 5 × 10 और 2 × 4 9 × 10 और 3 × 4 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 और 2 ये 2 ईयर पहले और 2 ईयर बाद है 4 है तो बाकी अब निकाल लेते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना है ये 36 साल आ गया और जब फिर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो ये कितना हो जाएगा जी 3 यूनिट की वैल्यू क्या है तो 4 + 12 = 12 साल लेकिन प्रेजेंट एज कह रहा है 2 years later कह रहा है 2 years later कह रहा है तो 36 और 36 में 2 साल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38 और क्योंकि 2 साल पहले का एज निकाला था और 12 में 2 साल जोड़ेंगे तो 14 तो ये 14 8 × 4 = 12 3 × 4 = 5 यानी कि 3 साल। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया तो -3 है यहाँ पे इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 4 और उसकी पावर -3/4 इसको ये किया फैक्टर करके और मल्टीप्लाई ये 5 है तो ये 5/3 की पावर² और ये -4 तो है डिवाइडेड बाय 5 और बटे में 2 और इसकी पावर -3 ये कितना हो जाएगा कि 4 से 4 कट गया और ये 2 है 3/4 के 2 और ये 2 से 2 कट गया ये अब ये माइनस है तो प्लस करने के लिए अंदर वाले को पलट देते हैं 2/3 तीन बार है तो लिख ही लेते हैं 2/3 और ब्रैकेट हो गया अभी भी इसको भी पलट लेते हैं पावर को प्लस करने के लिए 5/3 है इसको 3/5 लिख लेते हैं कितनी बार 3/5 तीन बार और चूंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो ये ऊपर पहले पलटेंगे तो प्लस होगा यानी कि समझ पा रहे हैं 2/5 की पावर 3 होगा और फिर जब यानी कि देखो 5/2 की पावर -3 है तो 2/5 की पावर +3 करोगे और चूंकि डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई किया तो क्लियर पलट जाएगा यानी 5/2 × 5/2 × 5 देखो ये 3, 5 से 3, 5 कट गया ठीक है और ये तीनों कट गया और ये दोनों कट गया यानी फाइनली क्या बच गया कुछ नहीं तुम्हारा आंसर।
ये लिखा हुआ है कि ए पूरे काम के 4/5 times को 4/5 times को 20 दिन में करता है और बी ए और बी दोनों मिलकर बचे हुए काम को 3 दिन में करता है। तो भाई 4/5 काम यदि ए का पूरा एक पूरे काम को कितने दिन में करता है ये तो पता चले, ये पूरे काम को पता करने के लिए 20 और इसको क्या करो पलट दिया करो तो ये 5/4 हो गया, 4×5 = 20 मतलब पूरा काम यदि ए को कार्य करने के लिए तो 25 दिन का टाइम लेंगे। अब ए और बी कितने दिन का टाइम लेंगे, बचा काम कितना, पूरा काम 4/1 और उसमें से 4/5 को माइनस करोगे तो 1/5 और 1/5 को फिर बचे हुए काम को 3 दिन में करता है तो 5 तो कितना आ जाएगा, मतलब ए और प्लस बी मिलकर करेगा 1/5 है काम को 3 दिन में करता है तो 5/1 और गुना 3 यानी कि 15 दिन। तो आपको ए का पता चल गया 25 दिन और ए प्लस बी का पता चल गया 15 दिन मिलकर करेंगे उस काम को, एलसीएम हो जाएगा 150, 5 × 15 150 हो गया, 25 × 6 = 150 150 या 75 भी हो जाता है, 75 हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं गलत नहीं होगा हमारा आंसर, तो 150 हो गया। अब ये 10 काम हो रहा है क्यों हो रहा है सर, क्योंकि बी इसमें शामिल हो रहा है तो 4 यानी कि 4 काम बी कर रहा है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा तो 150/4, लेकिन वो कहा है कि बी उसके दो गुने काम को कितने दिन में करेगा, दो गुने काम का मतलब 200 मल्टीप्लाई कर दो 2×4 हो जाएगा 75 यानी बी पूरे काम को 75 दिन में करेगा। आप एलसीएम 75 भी लोगे तो यहां से। और ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी बेलन मतलब सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 2:3 है, किसी बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है रेशियो तो बट्टा 2πr×r+h। इसी दिन के लिए मेंसुरेशन को देखो कितना मेंसुरेशन पूछा है, या करवा बराबर में कितना दिया हुआ है 2/3 तो देखो 2πr से 2πr खत्म। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेडियस पहले दिया तो पहले लिखा 2r, 2 को r से मल्टीप्लाई किया फिर 2 को h से मल्टीप्लाई किया तो 2h और 3 को h से मल्टीप्लाई किया तो 3h। तो अब 2r बराबर में 3h में से 2h गया तो h मतलब r/h बराबर में r/h बराबर में 1 यानी कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो आया वो 1:2 का आंसर आया, 1:2 यानी पहला आंसर है, कितना आसान है। तो इस तरीके से केवीएस का ये टोटल सॉल्व मैंने 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का किया बड़ी आसानी से। आप देखे होंगे मैथ एक सतत प्रैक्टिस करने की चीज़ है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने की चीज़ है, एक दिन में या एक रात में आप चाहेंगे खत्म हो जाए, एक दिन कितना भी घी पी लोगे तो आपका मैथ अच्छा नहीं होने वाला है, आपका शरीर अच्छा नहीं होने वाला है। उसी तरीके से मैथ अच्छा करने के लिए कम से कम 4 महीने 5 महीने देना होता है और हम डेली सत्संग की तरह अपने यहाँ सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मैथ की डेली क्लास लेते हैं। शाम में एक बैच चलता है, उत्तम नगर टर्मिनल पे मेरा बैच चल रहा है मैथ्स का। जब कभी भी लगे कि मैथ्स मजबूत करना हो, बच्चों को होता क्या है जब पेपर अनाउंस हुआ तब तो पागल की तरह इधर उधर किसी कोचिंग वाले को 15,000-20,000 दे के आ जाते हैं और वहां पे पता चले घंटों में क्लास होती है 30 घंटे 40 घंटे। अरे घंटों में क्लास होने से रोटी गिन के खाने से मजबूत हो गए क्या भाई, ऐसे नहीं होता है। कम से कम आपको इसमें रस लेना पड़ेगा मजबूत, मैथ्स को पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और अर्थमेटिक कंप्लीट पूरा करने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने टाइम, तो तब जाकर के आप फ्लो बन जाओगे, 20 के 20 क्वेश्चन यूं ही आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।